देखिए, स्वाइन फ्लू एक फ्लू का प्रकार है जिसको हम H1N1 वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। 2009 में सबसे पहले इंडिया में एक महामारी के रूप में ये प्रकट हुआ और पिछले 10 वर्षों में हर इस बारिश के मौसम में ये आता है। इसका हवा बहुत ज़्यादा है, घबराते लोग बहुत हैं, ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। जैसे सिंपल फ्लू होता है वैसे ही स्वाइन फ्लू होता है, थोड़ी सी इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। पहले शुरुआत में जुकाम होता है, गले में खराश आती है, बुखार आता है। बुखार के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सिर दर्द से लेके बदन दर्द इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आदमी कहता है कि मेरे पास 100 बार बुखार आया लेकिन ऐसा शरीर तोड़ू बुखार कभी नहीं आया। तो पहला लक्षण तो ये है कि बुखार बहुत तेज होता है और बहुत माइल्जिया के साथ यानी मस्कुलर पेन के साथ होता है। दूसरा, कभी कभी इसमें नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कभी कभी ब्रेन के कॉम्प्लिकेशन और हार्ट के कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका हवा है, लोग सोचते हैं कि स्वाइन फ्लू हो गया तो हम मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी मृत्यु दर केवल 0.5% होती है, तो अर्थात 1000 में एक व्यक्ति के मरने की संभावना है, बहुत कम होती है, 500-1000 में एक व्यक्ति के मरने की संभावना होती है। वार्निंग साइन ये है कि किसी को भी अगर बेहोशी आए, डायरिया बहुत ज़्यादा हो, डिहाइड्रेशन हो जाए, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इसका टेस्ट थ्रोट स्वाब से होता है, वो ज़रूर करा देना चाहिए। 5 दिन का ट्रीटमेंट होता है इसका, ओसल्टिमावीर की नाम की दवा आती है, वो निःशुल्क जाँच और निःशुल्क उपचार हर जगह उपलब्ध है। वो हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आप करा सकते हैं, संजय गांधी PGI में भी करा सकते हैं, आप CMO ऑफिस में एक इसका टोल फ्री नंबर होता है उस पर फ़ोन कर सकते हैं तो भी हो सकता है। बस बचाव के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। होता क्या है कि ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू फैलता है, अर्थात जब कोई छींकता है, खांसता है, बात करता है तो उसके नाक और मुँह से ये थोड़े वायरस निकलते हैं और जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करता है उस पर ही वायरस रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हाथ लग गया, छींकते समय लगी जाता है, छींक आती है, खांसी आती है, आदमी मुंह पे नाक पे हाथ रखता है और फिर किसी से हाथ मिला लिया तो उसको ट्रांसमिशन हो गया। आपने तौलिया अपना पहुंचा नहाने के बाद तौलिया में चला गया, जहां आपने बैठे थे कुर्सी पर हाथ रखा वहां चला गया, तो यानी सरफेस से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ऐसे समय मेरा आग्रह है कि जिस किसी को भी छींकें बुखार आज के मौसम हो रहा है उससे थोड़ा 3 फीट की दूरी बनाए रखें और कृपया उसको हाथ ना मिलाएं, ऐसे दूर से नमस्ते कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में सर कुछ ऐसे मामले स्वाइन फ्लू के सामने आए जिसके बाद CMO कार्यालय की ओर से तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है, तो क्या KGMU में कुछ ऐसे मामले आए? नहीं, देखिए ऐसा है कि KGMU में आउटडोर में तो आते रहते हैं, स्पोरेडिक केसेस आते रहते हैं, लेकिन कोई अभी ऐसा सीरियस मरीज नहीं आया है जिसको हमें भर्ती करना पड़ा।